फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा सभी फ्रेंड्स को। तो आज ना दशहरा है और आज शाम में हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं। यहाँ भी अच्छे अच्छे पंडाल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन बहुत जगह तो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। ये बहुत ही छोटा ब्लॉग जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें पहुँचने के बाद एक दो जगह तो मैं घूमी तो वहाँ पे तो मैंने शूट कर पाई। तो यहाँ हम पहुँच गए, एक बहुत ही बढ़िया पंडाल बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर दिखाते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छी सजावट हुई है, बहुत मेहनत किया है लोगों ने। और देखिए इतनी, ये तो एंट्रेंस है और बाकी बहुत ही दूर में इसकी सजावट थी। तो चलिए लेकर चलते हैं अंदर और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कीजिएगा। अंदर भी बहुत अच्छी सजावट थी, तो देखते चलिए कितने दूर में इन्होंने अच्छे से डेकोरेशन किया है। बहुत मेहनत लगती हुई इतने दूर में। और भीड़ भी आज उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आज दशमी है, अष्टमी नवमी लोग ज़्यादा घूमते हैं, तो आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आज प्रसाद वगैरह भी यहाँ बट रहा था। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं और फिर बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर कितना मतलब अच्छा सजा हुआ दूर में, और सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बना हुआ था। तो चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, और अंदर में इतने अच्छे से टोकरी से सजावट हुई थी, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे ना बहुत लोगों को हेल्प भी हो जाती है इस कारण से। तो चलिए अंदर आ गए हैं हम और चलते हैं अब मंदिर में, जहाँ की माता रानी स्थापित है। तो चलते हैं मंदिर में और देखिए भीड़ अभी भी है, कुछ भीड़ है लेकिन बहुत कम भीड़ थी, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और देखिए यहाँ है माता रानी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा, जो कि आपको लाल हरे नीले पीले जो दिख रहे हैं ना, ये सब ना टोकरी है। टोकरी को कलर करके ये सब सजाया गया, बीच में बल्ब लगाया गया है, जैसे लग रहा है ना कि दीपक लगा हुआ है, बड़ा बड़ा दीपक लगा हुआ है, इस तरह से लाइट्स वगैरह लगाई गई है यहाँ पे। तो देखिए पूरे टोकरी से ही डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत मेहनत भी लगी होगी और इससे ना कुछ लोगों का भला भी हो गया होगा, टोकरी बनाने वाले लोग का। तो ऐसे ही करना चाहिए हमें कुछ भी डेकोरेशन वगैरह, कि जिससे कि दूसरे को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने आरती वगैरह लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग रुके, दर्शन किए अच्छे से और फिर बाहर निकले। तो ये ब्लॉग बहुत छोटा जाएगा फ्रेंड्स, और इसको मैं आज ही डाल दूँगी, मतलब ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पे ब्लॉग हो जाएगा तो टाइम से ब्लॉग भी जाना चाहिए। और मेरे ब्लॉग ना थोड़ा लेट जा भी रहे हैं, तो मेरा देखिए सुबह का टाइमिंग नहीं है, सुबह से लेके शाम मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग डालूँगी इसी के बीच में। और देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई है, तो थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं वैसे कोशिश मेरी रहती है कि मैं समय से डालूं, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसको अब हम लोग दर्शन करके यहाँ प्रसाद के लिए खड़े हैं, और प्रसाद लेकर हम लोग फिर यहाँ से भी निकले। देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बना हुआ था, और यहाँ पे ये पत्तल का प्लेट बना हुआ है ना, हरे हरे पत्तल का, ये इसमें प्रसाद लोगों को इसी में दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना है, यहाँ भी अच्छी सजावट है, तो लोगों को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से ना हम लोग भी प्रसाद लेकर निकल गए थे, और बहुत दूर निकले थे हम लोग, अंधेरा भी हो गया था। फिर एक जगह हम लोग रुक के खाना वगैरह खा के फिर घर आ गए। घर आने के बाद हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि बहुत थक गए थे, तो मैं वीडियो कहीं पर एंड करूँगी फ्रेंड्स। खाने के लिए बहुत लेट हो गया है।